आप अंग वस्त्र पहनाकर प्रशस्ती पद बयान करके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। इसी क्रम में श्री अजय सिंह जी जनपद प्रतापगढ़ से, आपके पास 5 हेक्टेयर के आम के बाग हैं और आप आधुनिक नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए आप उत्पादन करते हैं आमों का और आपको अंगवस्त्र पहनाकर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से। श्री संजय कुमार सिंह जी जनपद वाराणसी से, आपके पास 1.5 हेक्टेयर के बाग हैं आम के और आप मंडी में विक्रय करते हैं अपनी नवीन तकनीकों का प्रयोग करके, आपको सम्मानित किया जाता है स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र और अंगवस्त्र पहनाकर, बहुत सारी बधाइयां। श्री कृष्ण पाल सिंह जी बहराइच जनपद से, 4 हेक्टेयर का बाग है आपके पास, नवीन प्रजातियों का उत्पादन ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं आप और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है प्रशस्ति पत्र शॉल और स्मृति चिन्ह देकर। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी बागवानों के लिए, कृषकों के लिए। इसी क्रम में जनपद लखनऊ से श्री आशीष कुमार द्विवेदी जी, आपके पास 2.5 हेक्टेयर के आम के बाग हैं और आप 18 वर्षों से निर्यात कर रहे हैं आम का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज आपको सम्मानित किया जाता है अंगवस्त्र पहनाकर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके, बहुत सारी बधाइयां। इसी क्रम में श्री करुण गुरेजा जी सहारनपुर जनपद से, आप रंगीन प्रजातियों का उत्पादन करते हैं, जी हाँ, अपने आप में अनोखी आम के उस उत्पादन के साथ आपको सम्मानित किया जाता है स्मृति चिन्ह देकर और शॉल उठाकर प्रशस्ति पत्र। केदारनाथ त्यागी जी बुलंदशहर जनपद से, आपको 2.5 हेक्टेयर का आम का बाग है, रंगीन प्रजातियों का उत्पादन आप करते हैं, आज आपको सम्मानित किया जाता है प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र और शॉल ओढ़ाकर। श्री भगवान दास जी गोरखपुर जनपद से 2.5 हेक्टेयर के आम के बाग हैं, विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आज आपको सम्मानित किया जाता है आपकी प्रतिभा को लेकर प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके। जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभावानों के लिए। जनाब खलीक उजमा खां जी शाहजहांपुर से, आपका 1 हेक्टेयर का आम का बाग है और रंगीन प्रजातियों का उत्पादन करते हैं जनाब खलीक जी और आज आपको आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर। जोरदार तालियां हमारी श्रीमती अनीता सती जी लखनऊ जनपद से, विभिन्न प्रसंस्करण उत्पाद जैसे आम, अचार, मुरब्बा, जूस, सिरका आदि का उत्पाद आप तैयार करती हैं, आज आपको सम्मानित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में श्री राम नारायण सिंह जी लखनऊ से, पिछली 10 वर्षों से आप आम के विभिन्न उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं और आज आपको सम्मानित किया जाता है शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके। श्री राम नारायण सिंह जी लखनऊ से एक बार जोरदार तालियां, आम के विभिन्न उत्पादों का विक्रय करते हुए। जनाब कलीमुद्दीन सिद्दीकी जी अमरोहा जनपद से, आपके द्वारा दुबई, ओमान, भूटान, जापान में उत्तर प्रदेश के आम का निर्यात किया जाता है, गत वर्ष लगभग 136 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया आपके द्वारा, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और आज आपका इस्तेमाल किया जाता है। श्री ईशांत सैनी जी अमरोहा से, गत वर्ष 50 मीट्रिक टन का विक्रय किया गया आपके द्वारा और आज आपकी प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके। इसी क्रम में हमारी बीच में परम आदरणीय सम्मानित डॉक्टर कृष्णा इल्ला जी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक पद्म भूषण, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, जोरदार तालियां। उद्बोधन आपने सुना और आपके सहयोग से हमारे किसान भाइयों को आम निर्यात करने का वो सहयोग प्राप्त होता है, मौका मिलता है। डॉक्टर कृष्णा इल्ला जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए जिनको किस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। कृष्णा इल्ला जी आपको स्मृति चिन्ह देकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं और दिल से आभार परमातनी श्रद्धे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों का, बागवानों का, निर्यातकों का जिनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। और आइए जिन्होंने सबको सम्मानित किया अब वो पल वो क्षण उनको हम सम्मानित करते हैं। अनुरोध करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान कृषि विपणन
कृषि विदेश व्यापार कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से कि अपने कर कमलों से स्मृति सिंह स्वरूप एक छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप देकर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। माननीय राजमंत्री जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत स्वागत करते हुए माननीय राजमंत्री जी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को इसी क्रम में अनुरोध करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से कि अपने कर कमलों से माननीय राज्यमंत्री विपणन कृषि विपणन कृषि तथा कृषि निर्यात माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत छोटी उपहार स्वरूप भेंट देकर स्मृति चिन्ह के साथ। और स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन के पश्चात वो क्षण हमारे जिन्होंने हम सभी के दिलों में वो स्थान बनाया अपने कुशल नेतृत्व से और उत्तर प्रदेश का मान गौरव सम्मान बढ़ाया हमारे विश्व के मानचित्र में। जी हाँ, परमादरणीय श्रद्धे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए सम्मान आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री पीएल मीना जी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक डॉक्टर कृष्णा इलाजी उद्यान विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे प्रगतिशील किसान बागवान और उपस्थित बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले प्रदेश भर से आए हुए और देश के अन्य राज्यों से भी यहां पर उपस्थित प्रगतिशील किसानों बागवानों और इस क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका मैं प्रदेश के इस आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में ही जिस फल का नाम आम हो उस फल की विशेषता और उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वो आम है इसलिए सबके लिए सुलभ भी है सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है और इसीलिए तो जो आम होगा वही राजा भी होगा और इसलिए फलों के राजा के रूप में आम को सबने महत्व दिया है। आम महोत्सव 2024 पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सके इसके लिए प्रयास करती है और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी दिन से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर।
बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं यहां महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार, जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया, यानी 160 वर्ष का इतिहास है, आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया, यहां पर कितना आम का दाम होगा, 60 से लेकर 100 रुपए के बीच, लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। यानी अगर हम यहां से ड्यूटी भी लगा ले, यहां से उसके कार्गो के दाम भी लगा ले, उसके एयर फेयर को भी उसके साथ जोड़ ले, तो भी या बहुत ज्यादा होगा तो 250-300 रुपए तक जाएगा, तो भी एक किसान को, एक बागवान को 600 रुपए की बचत एक किलो में होने जा रही है। मुझे बताओ, जो किसान यहां पे एक किलो आम को 45-50-60 रुपए से लेके 100 रुपए किलो बेचेगा, वह समृद्ध होगा कि जिसका आम अच्छी क्वालिटी का आम, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी पैक हाउस से प्रोसेसिंग के बाद उसको तोड़ने का तरीका, उसकी पैकिंग का तरीका, उसकी क्वालिटी को पहले दिन से ही बनाए रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो उसी आम का दाम दुनिया के मार्केट में 900 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 600 रुपए की बचत अकेले एक किलो में एक बागवान को, एक किसान को प्राप्त हो जाएगा। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी थे और अन्य अधिकारी भी गए थे, मास्को गए थे, वहां पे इन्होंने आम महोत्सव किया था, वहां से भी इनको ऑर्डर मिले थे। लखनऊ अमरोहा के हमारे किसान गए थे। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है, अच्छा दाम मिले। हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है। और यह क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है, हमारे यहां के औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं उनमें भी यह क्षमता है। यही कारण है केवल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल होती है वह प्रदेश में और देश के लिए 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर देती है। यानी देश की कुल आम उत्पादन का 25-30% आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है और इसमें भी अलग अलग वैरायटी। आप पश्चिम में जाएंगे, सहारनपुर से लेकर के मेरठ के बीच में रटोल आपको मिल जाएगा। आप अमरोहा में आएंगे, दूसरी बैराज प्रजाति आपको मिलेगी। लखनऊ में आएंगे तो लखनऊ में आपको दशहरी मिल जाएगी। बस्ती में जाएंगे, वहां पर अम्रपाली मिल जाएगा। गोरखपुर में जाएंगे, गौरजीत मिल जाएगा। वाराणसी जाएंगे, लंगड़ा मिल जाएगा। ऐसी अलग अलग जनपद की अलग अलग वैरायटी भी है। आप सोचिए कि जब विज्ञान इतना अप्रगतिशील नहीं था, इतना आगे नहीं था, तब हमारा बागवान, हमारा अन्नदाता किसान नई नई वैरायटी देने में तत्पर रह करके कार्य करता था, आम की फसल को बचाता था, उसको कीड़ों से बचाता था, उसे हर प्रकार से एक नए तरीके से लगाने की तैयारी करता था। और आज जब
सरकार सुविधा दे रही है, सरकार ने तमाम प्रकार से सुविधाएं देनी प्रारंभ की हैं, सरकार ने तमाम प्रकार से प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है, उन स्थितियों में इस प्रोत्साहन का लाभ लेते हुए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और अपने उत्पादन को इतना बढ़ाना होगा कि घरेलू मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हम मुनाफा कमाने के लिए दुनिया की मार्केट में भी भारत के आम को, उत्तर प्रदेश के आम को भेजने की तैयारी कर सके। इसके लिए आम महोत्सव यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और अन्य राज्यों से भी किसान आए हुए हैं जो इस आम की प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। तमाम अन्य संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। मैं इस अवसर पर भारत बायोटेक के अपने डॉक्टर कृष्णा इला को भी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहां के प्रोडक्ट को दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किया है, यह एक अच्छा प्रयास है और सचमुच यह प्रयास से बताता है कि सरकार, स्टेक होल्डर और किसान तीनों मिलकर के अगर कार्य करना प्रारंभ कर लें तो किसान की आमदनी को मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप दोगुने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक बागवान और किसानों के बारे में जो अनेक कार्यक्रम यहां प्रारंभ होने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला यहां तैयार की गई है, जिसमें यहां पर इस कार्यक्रम के बाद यहां पर सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कैसे आपको सपोर्ट किया जा सकता है, इस पर भी एक कार्यक्रम आज होने जा रहा है। बायर सेलर मीट के माध्यम से भी इसके विपणन और निर्यात की संभावना के विषय पे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के द्वारा आम के विपणन हेतु दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के बारे में जो उसके स्टैंडर्ड हैं, जो उसके मानक हैं, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आम की सुरक्षित तुड़ाई एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक पर भी यहां पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा प्रगतिशील आम और उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता युक्त आम उत्पादन के संबंध में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी और साथ साथ आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य भी आपस में चर्चा पर चर्चा के माध्यम से इसके बारे में समस्याओं के समाधान का भी कार्य यहां पर होगा। कल के जो कार्यक्रम है आम के सस्य क्रियाएं और पोषण प्रबंधन के बारे में, आम के प्रमुख कीट एवं व्याधियों के प्रबंधन के बारे में, आम की उत्पाद विविधता और मूल्य संवर्धन एवं निर्यात से संबंधित चर्चा यहां पर होनी है, ऐसे तमाम मुद्दों पर यहां पर अगले 3 दिन तक चर्चा पर चर्चा को बल देकर के आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है ही, लेकिन अब हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप उस प्रकार की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। दुनिया की मार्केट में उत्तर प्रदेश का आम छा जाए, इसके लिए हमें इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से जो जानकारी मिले उसको हमें अपने यहां प्रारंभ करना पड़ेगा। कहां से निर्यात की संभावनाएं बन सकती हैं और किन देशों के लिए बन सकती हैं, उन देशों तक अपनी पहुंच को बनाना ही पड़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की ये सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किसान और बागवानों के, पशुपालकों के हितों के संवर्धन के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, वह एक किसान की, एक बागवान की आमदनी को कई गुना करने में मददगार होगी। 3 दिवसीय आम महोत्सव के अवसर पर मैं एक बार फिर से जितने भी यहां पर बागवान आए हैं, किसान आए हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स आए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और इस महोत्सव की सफलता की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।
धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित कर रहे थे परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम के उस अंतिम